रज्जो दलाल ने चाहत पांडे और श्रुतिका अर्जुन के बीच में एक बड़ी लड़ाई लगाने की कोशिश की, पर यह बड़ी लड़ाई लगी नहीं। घर के अंदर काफी सारी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में लगातार मैं अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को बता रही हूँ। हालांकि घर वालों को ऐसा था कि आज जो है थर्सडे है तो डेफिनेटली वीकेंड के बाद की शूट होने वाली है, बाहर से खाना आएगा, फिर भी जो है बाहर से खाना नहीं आया, कैसे तैसे करके जो है इन्होंने खाना बना लिया है और बिग बॉस ने भी जो है एक आटे की थैली जो है इन लोगों को भेज दी है, तो इन लोगों को अब तक तो पता चल ही गया है कि वीकेंड के बाद की शूट अब नहीं हो रही है। उसी बीच में जो है ये लोग काफी ज्यादा रिलैक्स है कि अभी एक हफ्ता जो है हमने जो भी कांड करने थे, जो भी मुद्दे बनाने थे, जो भी चीजें करनी थी हमने कर दी है, अब आखिरकार क्या किया जाए, अब कुछ ना कुछ तो करना है ना, कोई किसी के साथ ऐसी उंगलीबाजी इस तरीके से नहीं कर रहा है। दिग्विजय का मेरे को देखने के लिए मिला कि दिग्विजय जो है वो श्रुतिका के पीछे कभी न कभी हाथ धो के जो है वो पड़ा ही रहता है, उसको जो है गलत साबित करने की वो हमेशा ही कोशिश करता रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा नेचर बहुत ही अजीब रहता है कि आप जिसको दोस्त मानते हैं उसको हमेशा ही आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हो कि भाई तू गलत है, ऐसी दोस्ती ही नहीं होती। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना ज्यादा अच्छा होता है। तो चाहत पांडे को बुला के लेके आता है रज्जो दलाल और बिठाता है दिग्विजय के पास, और दिग्विजय ये बात बोलता है कि भाई चाहत पांडे चिल्लाती नहीं है, ये श्रुतिका तेरे को बोल रही थी कि चाहत पांडे कितना ज्यादा बोलती है, कितना ज्यादा चिल्लाती है। तो चाहत बोलती है श्रुतिका को कि मैं नहीं चिल्ला रही थी, एलिस और ईशा चिल्ला रहे थे। तो श्रुतिका हंसते हुए बोलती है कि नहीं बाबा मैं ऐसी बात नहीं कर रही थी, जस्ट मैं तो नॉर्मली भी तेरे को चिट्ठी में भी लिखा था ना कि ऐसा करके है, तो वो चीजें हैं, ये जानबूझ के हमारी लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे को वहां से बाहर से जो है बुला के लेके आके यहां पर बिठाया है, तो खुद इस बात को समझ कि ये कोशिश कर रही हैं कि तू मेरे ऊपर भड़के मैं तेरे ऊपर भड़कूं। तो इन लोगों ने जो है ये कोशिश की, पर ये कोशिश में नाकाम रही। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।